भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। क्यों रचना, तुम्हारी तो ऐश है, कॉलेज के साथ साथ काम भी कर रही हो और ऊपर से घर लेट आने पर तुम्हें तो मनाई भी नहीं है। और तो और तुम्हारे बॉस है जो एकदम हीरो टाइप दिखते, जिनके ऊपर लड़कियां हमेशा मरती रहती, और एक तुम्हारी पीहू दीदी है जिसकी तुम्हारी उम्र में मम्मी पापा ने शादी करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया, एक लड़की को पार लगा दिया और दूसरी लड़की के लिए ऐसा सब करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। रचना बिटिया को सब कुछ अलाउड है। पीहू दीदी, आप मम्मी और पापा के बारे में गलत सोच रहे हैं। अच्छा जी, हमें मम्मी पापा को समझने की अक्कल नहीं है, कृपया आप ज्ञान दीजिए। ओहो दीदी, आप बेकार में बात का इश्यू बना रही हैं। मम्मी पापा ने हम दोनों को वही करने दिया जो हम चाहते थे, और दीदी हमारा पढ़ाई के साथ काम करने का मन था इसलिए उन्होंने हमें करने दिया। और दीदी, आपका कॉलेज जाने का मन नहीं था, आप शादी करना चाहती थी इसलिए मम्मी पापा ने आपकी शादी करा दी, और वो भी इतने अच्छे इंसान से। जीजा जी जैसा इंसान इस पूरे दुनिया में कोई नहीं है। हाँ हाँ जरूर, एक दिन उनके साथ बिता कर देखो तब तुम्हें पता चलेगा। मजा ले किसी दिन उन्होंने हमारे साथ प्यार से बात की हो या किसी दिन अपनी बीवी के लिए कुछ खास किया हो। जब से हम वहाँ ब्याह करके गए सिर्फ और सिर्फ एक मजदूर की जिंदगी जी रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे अच्छे जीजा जी ने हमें अभी तक एक फोन तक नहीं किया है। तुम सही कह रही हो रचना, तुम्हारे जीजा जी जैसा इंसान इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। ऐसे रिश्ते में रहने से तो अच्छा है छुटकारा पाले ऐसे रिश्ते से।